शिवा रेड्डी का नॉमिनेशन मिल। शिवा रेड्डी पर किसी गुमनाम व्यक्ति ने अटैक किया और शहर के बाहर पीट कर फेंका। शिवा रेड्डी को मारने वाला कौन है वो सभी जानकारी अभी मिलना बाकी। शिवा रेड्डी के चाहने वाले सड़क पर उतर कर उनके लिए बहुत हंगामा कर रहे हैं। चुप हो जाओ। गुंडागर्दी करता था तो शेर की तरह जीता था, राजनीति में आया है तब। राजनीति तेरे बाप की जायदाद है क्या? मंत्री बनना मेरे बेटे का सपना है और वो पूरा होगा। अगर इस शहर से तुम्हें प्यार है तो मुझे यहाँ से वापस भेज दो, नहीं तो यहाँ भूचाल आ जाएगा। आज ही एक की बलि चढ़ा कर आया हूँ और दूसरी बलि यहाँ चढ़ेगी। मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाले को ढूंढो। कौन था वो ससुर कहलाती? चीची, तुम्हारी नजरों के सामने वो पुलिस की जीप लेकर चला गया और तुम खड़े खड़े देखते रह गए। तुम तो शिवा रेड्डी की खटिया खड़ी करने वाले थे ना, आपका हो गया। जीप भी गई और फाइल भी गई। शिवा रेड्डी को उसके किए की सजा मिल जाएगी जब उसके पापों का घड़ा भर जाएगा। उसके पापों का घड़ा खुद ही भरना था, पुलिस की क्या जरूरत थी सर? आप मैं पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर मंदिर में भजन करते हैं, चलिए। बेवकूफों जैसी बात करते हैं, नहीं छोड़ूंगा सर। जीप और फाइल की वजह से शिवा रेड्डी सलाखों के पीछे नहीं जा पाया और जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई, मैं कसम खाता हूं मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे वर्दी की कसम सर। वर्मा, सिटी के सभी सीसी कैमरास के फुटेज निकालो, जीप ले जाने वाले का एक क्लू मिल जाए काफी। सर सर सर, जीप शिवा रेड्डी के आदमी ही ले जा सकते हैं। ये उन लोगों का काम नहीं होगा। शिवा रेड्डी अरेस्ट होने वाला ये बात किसी को नहीं पता थी। ये किसी ऐसे इंसान का काम है जो डिपार्टमेंट को बदनाम करना चाहता है। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सिर्फ हमारी जीप ही नहीं गई वर्मा, एक सिंसियर ऑफिसर की उम्मीद, एक बाप का बेटे पर भरोसा सब गया। ये जीप तो हमारी जान ले लेगी यार। तेरा भाई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर रहा है, पकड़ेगा तो क्या होगा? लेकिन तुझे क्या हुआ? शिवा रेड्डी का बाप शहर में आ गया, वो उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है जिसने उसके बेटे को बुरी तरह से पीटा। उसे हमें ढूंढने की क्या जरूरत है? मैं तो खुद उससे मिलने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो मिलेगा, उसकी बलि का समय आ गया है। जाओ ढूंढो, ढूंढो उसे। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे को मैंने ही मारा है। सोचा आपसे आकर बात करें। आपको मैं अपनी कहानी बताता हूँ सर। मेरे माँ बाप के हम दो बेटे हैं, मैं और मेरे भैया। हम दोनों के बीच बचपन से एक पल भी नहीं जमती थी, हर वक्त एक दूसरे से झगड़ा करते थे, जैसे एक ही घर में एक दूसरे के दुश्मन जन्मे हों। एक रोज झगड़ा थोड़ा सा पर्सनल, उसने मेरे प्यार को तोड़ने की कोशिश की, बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेंटल हो गया सर। प्यार से बात ईगो पर आ गई। मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो उसे उसकी नौकरी से अलग करना है, और इसीलिए उसकी जीप लेकर मैं भाग गया। और तब मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी जीप पर कोई हमला करेगा। किसने किया, क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। लेकिन बचने के बाद पता चला कि वो मुझे नहीं बल्कि मेरे भैया को मारने के लिए आए थे। मेरे भैया को मारने के लिए आए थे। फिर क्या सर, मेरा माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मेरा ब्लड कितने हजार किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा था मुझे खुद नहीं पता। उस वक्त भैया पर जो गुस्सा था, उनसे बदला लेना था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस एक चीज दिमाग में बैठ गई कि जिसने भैया को मारने की कोशिश की उसे खत्म कर। जीप पर जिन्होंने हमला किया उन्हें मैंने बेरहमी से पीटा, लेकिन उन्हें मैंने मौत नहीं दी। और इतना सब हो जाने के बाद मुझे एक छोटा सा डाउट आया। मेरी तो भैया से बनती नहीं थी, तो मैंने ऐसा रिएक्ट किया क्यों? मैं आपके बेटे को मारने वाला था। अजीब बात है, पता है क्यों? हमारे खून के अंदर मैजिक ही कुछ और है। इतने दिनों से मेरी और भैया की बनती क्यों नहीं, बनती क्यों नहीं, बनती क्यों नहीं, यही सोचता था मैं। हम दोनों की कब की बन गई थी सर, हमारे बीच जो झगड़े हुए वही हमारा प्यार है। आपको मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेरे बारे में अच्छी तरह जान सके। इन सारे झगड़ों को यही रोक दीजिए। आप मुझे, मेरे भैया को या मेरी फैमिली को तंग मत कीजिए। नो सर, मैं कोई वार्निंग देने नहीं आया, बस इतना कहने आया हूँ कि हम सब खुश रहें। ओके, अब यही बात अगर मैं आपके बेटे से कहूँ तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी गुस्से में होगा ना, पर आपको बेटे के पिटने का दुख है ना, आप समझ जाएंगे। अक्सर जो इंसान गुस्से के बजाय दुख में होता है ना, वो बातों को बेटर समझ पाता है। रोक दीजिए अब ये सब,
अपने बेटे को समझाइए। चलता हूं। मेरे माँ बाप के हम दो बेटे हैं, एक मर भी गया तो कोई बात नहीं, आपके पास सिर्फ एक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। जैसे दोस्त हो तो हिम्मत आ जाती है। और ऊपर से जीप किसने चुराई उसकी तलाश में लगा हुआ है वो राम। बोल राम भैया। भैया का मतलब जरा सोच के देख, शिवा रेड्डी मेरे भैया को मारना चाहता है तो कितने सिंसियर ऑफिसर होंगे, रिस्पेक्ट दे उन्हें। तक तो वो साला खाली राम था। अब ये साला क्या है, वो जेठ है मेरे, उनको रिस्पेक्ट दे के बुला। तो फिर हम राम भैया के पास जाकर हमने ही जीप चोरी की थी ये बता दें क्या? अगर ऐसा बोलेंगे तो वो हमें जेल में डाल देगा। इस वक्त वो किसी की बात नहीं मानेगा और घर में पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शिवा रेड्डी की तरह डील करने के लिए बाहरी प्रॉब्लम नहीं है, घरेलू प्रॉब्लम है, बहुत सेंसिटिव है। हम तो उसके हाथ नहीं लगने वाले। अगर उसकी लाइफ सेट कर दी ना तो ऑटोमेटिकली हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। पहले तो उसने पढ़ाई पढ़ाई करके अपना बचपन बर्बाद कर दिया, अब ड्यूटी ड्यूटी करके अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। उसकी लाइफ तो पूरी डेड है यार। वैसे भी गलती सारी मेरी है, कभी उसकी भी एक लव स्टोरी थी। लव? उसकी लव स्टोरी को मैंने बिगाड़ा, इसीलिए उसने मेरी लव स्टोरी बिगाड़ने की कोशिश की। तुम्हारे भैया भी एक टाइम के रोमियो थे। जूलियट भी थी। स्टोरी में विलन कौन था? अकबर था क्या? कॉलेज के जमाने में भैया श्वेता नाम की लड़की से प्यार करते थे, कोई गाइडेंस नहीं मिला तो कई साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। फाइनली वैलेंटाइन डे पर उसे प्रपोज करने गए थे लेकिन उनकी किस्मत टूटी थी, वहां पर भी मैं ही टकरा गया। God, क्या बात है? Stop sign, yes, कैसा? ये रखो। I love you. Stupid idiot. पसंद नहीं आया? तो फूल वापस दे दो ना। ये क्या? इधर दे। No to my love, but yes to my flower. Hey, Kala. श्वेता, क्या कहा मेरे भाई ने? वो तुम्हारा भाई था? क्या? चीज़ में हीरो बनती कर रहा था। कुछ गलत कहा तुमने? I love you बोल रहा था। What? कितने सालों से ये बात दिल में थी? अगर तुमने एक मिनट पहले कहा होता तो मैं एक्सेप्ट भी कर लेती। तो अब? अभी तुम्हारा भाई आई लव यू कह के गया है, अगर तुमसे शादी करके तुम्हारे घर जाऊंगी तो वो लिफंगा रोज मिलेगा, मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी, भूल जाओ मुझे। उस जगह तेरा भैया क्या, कोई भी होता तो बदला लेता। मुझे क्या पता वो उससे प्यार करता था, मुझे लगता है आज तक उसके दिल में वही लड़की है, इसीलिए तो सारे रिश्ते मना कर देते हैं। तो अब हम क्या करें? श्वेता भी जहाँ भी है उसे वहाँ से लाकर जो लव स्टोरी रुक गई है उसे कंटिन्यू करेंगे। और अगर श्वेता की शनाई पहले बच चुकी होगी तो क्या? ये बच गई। बी पॉजिटिव, नेगेटिव बातें मुझे और लकी को पसंद नहीं है। स्वीटी, लकी वो लोग श्वेता को ढूंढने में लगे हैं, तब तक थोड़ा रोमांस हो जाए। वही सही है। आप बोले तो हमसे मौत के घाट उतारे भाई। ये खुद अपना बदला लेगा। आपने जैसा कहा था शहर के सारे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज चेक किए सर। हमारी गाड़ी जुहू से सांता क्रूज तक गई, उसके बाद बांद्रा में जाकर रुकी सर।